मई 2004 की बात है। दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में बंगला नंबर C480 के सामने खड़ा एक सब्जी वाला एक टक बंगले के मेन गेट को देखा जा रहा था। बंगले का मालिक रोज एक नियत वक्त पर घूमने निकलता था। उस रोज जब बहुत देर तक कोई नहीं निकला तो सब्जी वाले ने गेट के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। जवाब मिला, घर के मालिक और मालकिन घूमने गए हैं। सब्जी वाले ने जेब से एक फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। तुरंत एक गाड़ी बंगले के गेट पर पहुंची और 6-7 लोग सीधे अंदर घुसकर तलाशी लेने लग गए। ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स थे। इस घर का मालिक उनका ही एक साथी था और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि रॉ में जॉइंट सेक्रेटरी अफसर था जो अचानक गायब हो गया था। खूब छानबीन के बाद भी पहले तो कई दिनों तक उस अफसर का पता नहीं चला और जब पता चला तो रॉ के अधिकारियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रॉ का जॉइंट सेक्रेटरी सालों से भारत के गुप्त दस्तावेज अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA तक पहुंचा रहा था। कौन था ये अफसर, कैसे CIA ने उसे अपने जाल में फंसाया और कैसे वो भाग निकला रॉ के चंगुल से, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम मुबारक है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इस कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से, रविंदर सिंह। रविंदर कभी इंडियन आर्मी में मेजर हुआ करता था। 1986 में उसे पहली बार रॉ में काम करने का मौका मिला। वो एक स्पेशल मिशन के लिए डिपुटेशन पर रॉ में आया था, लेकिन रॉ के साथ काम करने के बाद उसने सेना से रिटायरमेंट ले लिया और 1986 में पूरी तरह रॉ के साथ जुड़ गया। कुछ सालों में तरक्की करते हुए वो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक भी पहुंच गया। आर्मी और रॉ दोनों जगह उसके साथ ही उसे एक औसत अफसर मानते थे, लेकिन एक काम में उसका कोई सानी नहीं था। ये काम था दावतें देना। अक्सर वो अपने साथी अफसरों और जूनियर्स को दावतों पर ले जाता, महंगी शराब पिलाता और उनसे खूब गप्पे लड़ाता। ये मेहमान नवाजी कई सालों तक चली। फिर एक रोज एक जूनियर अफसर ने अपने बॉस के पास जाकर रविंदर की शिकायत कर दी। उसने बताया कि शराब पिलाने के बहाने रविंदर उससे ऐसे केसों के बारे में पूछ रहा था जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं था। ये बात खुफिया एजेंसी के तौर तरीकों के खिलाफ थी, क्योंकि हर अफसर को केवल उतनी ही जानकारी मिलती थी जो उसके काम की हो। ये घटना जून 2003 के आसपास की है। इस शिकायत के बाद रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी डिवीजन यानी CIS ने रविंदर पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। ये रॉ की वही डिवीजन है जिसने 1977 में कटे हुए बालों से अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता लगाया था। ये वाली कहानी सुनना चाहते हैं तो एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रॉ के गठन और उसके इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक किताब रेकमेंड करते हैं, RN काओ क्रिएटर ऑफ रॉ। इस नाम की ये ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकू FM ऐप पर, इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो शो प्लेटफॉर्म में से एक, जिसमें 15 लाख एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं। हर महीने 4000 घंटे का कंटेंट जोड़ा जा रहा है और साल 2023 में हर महीने लोग 45 घंटे कुकू FM का कंटेंट सुन रहे हैं। कुकू FM पर आपको मिलेगी 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स और आपके लिए है एक स्पेशल ऑफर। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले महीने आपको मिलेगी 50% की छूट, यानी 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा एक कूपन कोड LT50। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में मिल जाएगी। बहरहाल, कहानी पर लौटते हुए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। CIS ने रविंदर पर नज़र रखनी शुरू की। बाकायदा सब्जी वाले के भेष में एक अंडरकवर एजेंट भी उसके घर के आगे खड़ा कर दिया गया। इस तरह वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, इसकी पूरी खबर एजेंसी को मिलने लगी। इस पूरी कवायद का अंजाम क्या हुआ, मोटा मोटी कहें तो कुछ खास पता नहीं चला। रविंदर लोगों से मिलता था, उनकी दावत कराता था, लेकिन इस दौरान उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की जो उसे शक के घेरे में लाती हो। फिर दिसंबर 2003 के आसपास उसके व्यवहार में एक पैटर्न दिखाई देने लगा। रविंदर हर रोज खूब सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करता और उन्हें अपने साथ घर ले जाता। इससे CIS का शक बढ़ा कि हो ना हो वो ये दस्तावेज किसी तक पहुंचा रहा है। रविंदर पर निगरानी और तेज हो गई। उसके ऑफिस, घर, सब जगह कैमरा लगाया गया, उसका फोन तक टैप किया गया, लेकिन इसका नतीजा भी ढाक के तीन पात ही रहा। रविंदर की रोजमर्रा की जिंदगी जो कि तो बनी रही, ना ही वो किसी संदिग्ध व्यक्ति से मिला, ना ही कैसे किसी आदमी से फोन पर बात की। CIS के अफसर अब परेशान थे। खुफिया दस्तावेज घर ले जाने के आरोप में उसे गिरफ्तार तो किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि सिर्फ रविंदर को पकड़ने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला था। वो ये जानना चाहते थे कि रविंदर ये सारी जानकारी पहुंचा किसे रहा है और किस जरिए से। रविंदर को अभी तक इस बात की कोई भनक नहीं थी कि उस पर निगरानी रखी जा रही है, इसलिए निगरानी यूं ही चालू रही। फिर आया अप्रैल 2004 का महीना। उस महीने रविंदर ने छुट्टी की अर्जी दी। कारण पूछने पर उसने बताया कि उसे एक फैमिली फंक्शन में अमेरिका जाना है। इससे पहले भी वो साल में एक बार अमेरिका जरूर जाता था। उसके भाई बहन वहाँ सेटल थे और उसकी एक बहन ने तो उसके बेटे और बेटी को अपने पास ही रख लिया था। इस कारण रविंदर की पत्नी पम्मी हर 6 महीने में अमेरिका का दौरा जरूर किया करती थी। रविंदर को लगा हर बार की तरह इस बार भी उसे अमेरिका जाने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिकारी उस पर निगरानी रख रहे थे, इसलिए उसकी अमेरिका जाने की अर्जी रद्द कर दी गई। इसके बाद अप्रैल के महीने में ही एक और घटना हुई। ये 19 अप्रैल की बात है। उस शाम अचानक दिल्ली स्थित रॉक के दफ्तर के बाहर सबकी तलाशी ली जाने लगी। जो भी ऑफिस से निकलता उसका ब्रीफकेस और बैग देखा जाता। रविंदर के बैग की भी तलाशी हुई। कुछ मिला तो नहीं, लेकिन रविंदर के कान खड़े हो गए, क्योंकि रॉक के 35 साल के इतिहास में इससे पहला ऐसा कभी नहीं हुआ था। रविंदर ने जानने की कोशिश की कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। जवाब मिला, सुरक्षा कारणों से औचक ड्रिल कराई गई थी। रविंदर ने इस पर अपना विरोध जाहिर करते हुए मीटिंग में कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से पेश आने का ये सही ढंग नहीं है। इसके बाद वो अपने घर चला गया। अगले कई दिनों तक वो अपने साथियों से कहता रहा कि उसे बदनाम करने की साजिश हो रही है और तलाशी से उसकी साख पर दाग लग गया है। हालांकि इसके बाद भी उसके बर्ताव में कोई खास फर्क नहीं आया। उसका रोजाना का रूटीन ज्यों का त्यों बना रहा। CIS अब भी उसके घर पर कड़ी नजर रख रही थी, लेकिन मई के महीने में एक दिन अचानक वो अधिकारियों की नाक के नीचे से गायब हो गया। 4 मई के रोज उसके घर के बाहर तैनात अंडरकवर एजेंट को पता चला कि वो घर पर नहीं है। ये सुनकर एजेंसी के होश फाकता हो गए। उसके घर की तलाशी ली गई। वहां से अधिकारियों को एक लैपटॉप मिला। पता चला कि यही वो लैपटॉप था जिसके जरिए रविंदर खुफिया जानकारी अपने हैंडलर को भेजा करता था। ये हैंडलर कौन था ये जानने से पहले जरूरी था ये जानना कि रविंदर गया कहाँ। अधिकारियों को उसके घर से चेन्नई के कुछ पते मिले। उन्होंने वहां खोज शुरू की, लेकिन रविंदर का वहां भी कुछ पता नहीं चला। पता चलता भी कैसे, रविंदर 3 दिन पहले ही रोड के रास्ते नेपाल भाग गया था। रविंदर नेपाल भागा कैसे? दरअसल मई के महीने में 1 से लेकर 4 तारीख तक छुट्टियां थी। इसी दौरान ऑफिस न जाने का फायदा उठाकर उसने भागने की तैयारी की और रातों रात अपनी पत्नी के साथ रोड के रास्ते नेपाल पहुंच गया। नेपाल क्यों? यहां से इस कहानी में एंट्री होती है मेन प्लेयर की, वो खिलाड़ी जो इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दे रहा था, और यह और कोई नहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA थी। नेपाल में CIA के स्टेशन चीफ तैनात थे और इस कारण हर 6 महीनों में रविंदर नेपाल का एक चक्कर जरूर लगाता था। जैसे ही उसने अपने CIA हैंडलर को पोल खुल जाने की खबर की, उसे तुरंत रोड के रास्ते नेपाल पहुंचा दिया गया। आगे उसका क्या हुआ ये जानने से पहले जानते हैं कि CIA ने रविंदर को अपने साथ मिलाया कैसे। रविंदर कब CIA का एजेंट बना इस बारे में ठीक ठीक कोई नहीं बता सकता सिवाय CIA के, लेकिन जानकारों का मानना है कि 90 के दशक में उसे CIA ने अपने जाल में फंसाया था। इस दौरान रविंदर हॉलैंड में भारतीय दूतावास में काउंसलर के तौर पर काम करता था। रॉ के प्रमुख रहे SS दुलत की किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के अनुसार हॉलैंड के जासूसी सर्कल्स में उसकी छवि एक नाकारा अफसर की थी। उसका अधिकतर वक्त शराब के पीछे या लड़कियों के पीछे भागने में लगा रहता था। 1992 में नैरोबी में पोस्टिंग के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका इलाज वियना के एक बड़े हॉस्पिटल में हुआ, जिसका मतलब था उसे कहीं से मदद मिली थी। 1992 से साल 1998 तक रविंदर CIA के लिए काम करता रहा, लेकिन इस दौरान उसने कुछ खास बड़ा कांड नहीं किया। CIA के लिए उसके मूल्य में इजाफा हुआ साल 1998 के बाद। उस साल भारत ने परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया। ये बात अमेरिका के लिए एक बड़ा धक्का थी, क्योंकि अपने समस्त जासूसी तंत्र के बावजूद वो इस बात की भनक तक नहीं लगा पाए थे। 1998 के बाद CIA को भारत में सोर्स की ज़रूरत महसूस हुई और यहीं से रविंदर ने उन्हें गुप्त दस्तावेज भेजने शुरू कर दिए। ये दस्तावेज भेजने के लिए वो अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करता था। उसकी और उसके हैंडलर की कभी आमने सामने मुलाकात नहीं होती थी, इसी कारण वो सालों तक बचा भी रहा। बहरहाल अब जानते हैं आगे क्या हुआ। नेपाल पहुंचने के बाद CIA ने रविंदर और उसकी पत्नी के फर्जी पासपोर्ट बनवाए। दोनों को राजपाल प्रसाद शर्मा
और दीपा कुमार शर्मा नाम से नई पहचान दी गई और फिर एक प्लेन में बिठाकर अमेरिका भेज दिया गया। भारत में जब रविंदर के भागने की खबर पता चली तो एजेंसी में हड़कंप मच गया। जब यह बात साफ हुई कि वो CIA के लिए काम कर रहा था, रॉकेट चीफ CD सहाय ने दिल्ली में CIA के स्टेशन चीफ को बुलाया और उनसे इस मामले में सफाई मांगी। उन्हें रविंदर के पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी दिखाई गई, लेकिन CIA स्टेशन चीफ ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उनके अनुसार CIA का कोई जासूस भारत में एक्टिव नहीं था। बहरहाल CIA का तो कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए जानने की कोशिश शुरू हुई कि रविंदर ने कौन कौन सी जानकारियां लीक की है। जांच में सामने आया कि उसने अपने हैंडलर को 600 से ज़्यादा ईमेल भेजे थे, जिनमें 20,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी थी। ये बड़ा झटका था, लेकिन अब ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता था। उधर रविंदर अमेरिका पहुंच चुका था। वहां उसने अपने रिश्तेदारों को बताया कि उसकी जान को खतरा है। इसी बीच उसने अमेरिका में असाइलम लेने की कोशिशें भी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने उसकी दलील नामंजूर कर दी। CIA से भी उसे कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि उनके लिए वो अब खोटा सिक्का बन चुका था जो उनके किसी काम का नहीं था। इस तरह कभी खुद को दिल्ली का सबसे रईस सिविल अधिकारी बुलाने वाला रविंदर धीरे धीरे मुफलिसी की हालत में पहुंच गया। उसे लेकर आखिरी खबर 2016 में आई थी, जब एक सीक्रेट केबल से रॉ को पता चला कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है और रविंदर की कहानी का पटाक्षेप हो गया। जाते जाते बता दें कि रॉ के इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो जैसा पहले बताया कुकू FM की मदद ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही।